अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ एक काम से बाहर और लेट्स सी कुछ की चीज़ रही थी वो पूरी करनी है मैं ये देने जाएंगे तो लेट्स आगे ब्लॉग अभी तक आप लोगों ने इतने अच्छे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक कम शेयर करना और सुनाए जी क्या चल रहा है सारा कुछ मुलाकात आप सबको मेरे मन को खुश पास होकर फिर से खुशी 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 और मान लो तो वहाँ जाकर और ब्लॉग और गई थी एक शॉप में कुछ सीरीज की जो बाज़ के लिए वो कम्प्लीट करने के लिए तो अभी तारीफ करते हैं उसे बाज़ें आ रही और फिर आपको दिखाते हैं दुकान में गुच्छा चिप्स पकौड़े वो बन चुके हैं और फ्राइज समोसे बना रही हैं और आज मैंने बनाया डिजर्ट लगता है मज़ा आ गया जी अब तारीफ वगैरह डन हो चुकी है और बाबा जी कॉल आ रही थी अब हम जा रहे हैं छागने के लिए सिर्फ गाउन पहनना बाकी है बाकी ऑलमोस्ट डन है। आज की रात बहुत खास है जितनी भी हम दुआएं मांग लें हमारे इतने गुनाह के हम वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह पाक हमें जो माफ़ कर देते हैं। हमारे रमज़ान इतना फास्ट गुजरा कि इन्होंने ये वो रमज़ान है जो मैंने फर्स्ट टाइम इतनी तेज़ी से गुजरते हुए देखा। हम अल्लाह पाक से दुआ कर अल्लाह पाक हमारी जितनी टूटी फूटी बातें जितनी हम कर सकें अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल करे और हर किसी की मुश्किलें दूर करे हर किसी परेशानियाँ दूर करे और हर किसी के माँ बाप का साया उनके सर में सलामत रखे आमीन। माँ बाप बहुत कीमती चीज़ है कि मान लो आपकी लाइफ में से एक भी चला जाए तो आपकी लाइफ बहुत गुजर जाती। मेरी दुआ के अलावा हर रमज़ान मेरी माँ बाप मेरे साथ हो मेरे बहन भाई मेरे साथ हो इंशाल्लाह तब उनके सर का साया हम बच्चों को सर में शाह सलामत है आमीन। और दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान का दुख बहुत है अब इतनी ज़्यादा दुख है कि बयान नहीं कर सकती इमोशनल भी हो जाता है इंसान और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम कहते हैं ना कि माह रमज़ान जो है वो मेहमान है मेहमान तो हम जैसे लोग हैं माह रमज़ान तो अगले साल फिर आ जाएगा क्या पता हो या ना हो। तो खुदाया अपने दिलों को साफ रखे और दुनिया को राज़ी करना छोड़ दे उस रब को राज़ी करे जिसने के पास हमने लौट के जाना है जिसने हमें भेजा। तो हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए और उस ज़ात को राज़ी करना चाहिए। दुनिया के सामने आप जितना मर्जी अच्छा बन जाए जो मर्जी कर ले दुनिया ने आप बुरा ही कहना है आप अच्छे तब बनेंगे जब आप दुनिया से जाएंगे तब चार लोग इकट्ठे होंगे और रोएंगे और बस ये वर्ड नहीं गए अच्छा था चला गए अच्छा था चला गया ये हकीकत है। जिस दिन आपने दुनिया से जाना है ना लोग आपको तब अच्छा मानेंगे जिस दिन आप जिंदा है ना आपकी कोई भी कदर कर नहीं करेगा उनके फीलिंग्स की कदर नहीं करेगा। अल्लाह पाक सबको हदायत दे और अल्लाह पाक तमाम लोगों को लंबी ज़िंदगी सेहत और ज़िंदगी दा फरमाए आमीन। अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को लंबी ज़िंदगी सेहत और ज़िंदगी फरमाए अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत बहुत कामयाबी अदा करे। और मेरे भाई सलमान के लिए अल्लाह पाक जितनी उसकी मुश्किलें दूर करे माजिद भाई के लिए नाद के लिए मेरे भाई और भी मेरे भाई जो जो देख रहे हैं अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे जो परदेश में प्रदेश में रहना आसान नहीं होता तो अल्लाह पाक उन सबको अपने ज़ुबान में रखे उनके लिए आसानी पता करो। चलिए जी चलते हैं इबादत करने और फिर मैं इंशाल्लाह ताला सेहरी में आपसे मुलाकात करते हैं।
चुके और हम खाने लगे न्यास में मिला चिकन का सालन और ना भूख लग लगी खाते नमाज पे पढ़ गया। अब होने लगी है ईद पैक जरिए इसके लिए ये सब चीज़ें हैं और इस बार खुद में जाने और काम स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह जी आज 27 रात थी, हम लोगों ने इबादत की और हम लोग अभी फजर की नमाज पढ़ के ऊपर आई थी तो परिंदों की चहल पहल स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ से निकल रहा है माशाल्लाह सूरज और आज मैंने पहली दफ़ा से सूरज को निकलते हुए देखा कि ना कितने कलरफुल निकल रहा है। मीन्स के पहले आसमान ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ऊपर डार्क ब्राउन है। ये मेरी अल्लाह की शान है माशाल्लाह से। ये रात इतनी प्यारी है ना, अल्लाह पाक ने इतने सुकून के रोज़े गुजारे। कल इतनी गर्मी थी और आज माशाल्लाह से सुन रहे हैं आवाज़ माशाल्लाह से आज पूरी जो रात है ना इतनी ठंडी गुजरी है ना कि मुझे ऊपर छत में आके ठंड फील हो रही माशाल्लाह जी। यानी जी अभी सोते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट मिलेंगे आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।